नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं बरनेंद्र। कल के ही वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी कि चिराग पासवान की लोजपा का दावा नवादा सीट पर बना हुआ है, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुआ नवादा में उनके चिराग पासवान की जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी, वो कल से ही नवादा प्रवास पर हैं, और उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार नवादा से चुनाव लड़ेंगे। जब उनसे ये सवाल किया गया कि भाई 2 अप्रैल को जैसा कि जानते हैं कि भाजपा के शीर्षस्थ नेताओं में शुमार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नवादा आए थे, तो उन्होंने कहा था कि इस बार नवादा सीट लोजपा का चर्चा तो नहीं किया था, उन्होंने कहा था नवादा सीट भाजपा लड़ेगी। इशारे सर उन्होंने कार्यकर्ताओं को यह बताया, संदेश दे दिया था कि तैयारी कीजिए, कमल खिलेगा, कमल लड़ेगा, कमल होगा, जो भी है। लेकिन राजू तिवारी का बयान एक बार फिर से आया है कि नहीं, नवादा सीट लोजपा की थी और लोजपा फिर चुनाव लड़ेगी और वो लोजपा रामविलास के प्रत्याशी होंगे। यहाँ से प्रत्याशी कौन होंगे यह बात उन्होंने साफ नहीं किया, अलबत्ता उन्होंने ये कहा कि ये तो केंद्रीय नेतृत्व और संसदीय बोर्ड निर्णय लेगा कि उम्मीदवार कौन होंगे यहाँ से। मतलब ये है कि लोजपा जो चिराग गुट है वो अपना दावा नवादा सीट पर बनाए हुए है, और ये कहीं ना कहीं एक राजनीति का ट्विस्ट है। और आपको जैसा कि जानकारी है पहले भी कि चिराग पासवान लगातार नवादा का दौरा करते रहे, एक सभा भी उन्होंने किया था गांधी इंटर स्कूल में। इसके कुछ दिन पहले कुछ लोग जो असमय आपदा के दौरान मतलब पानी में डूबकर मरे थे, सड़क दुर्घटना में मरे थे, तो उनके परिवार वालों से भी मिलकर यहाँ से लौटे थे। तो कहीं ना कहीं अब तक की जो स्थिति है राजनीति में, लोजपा का दावा मतलब चिराग पासवान का दावा नवादा सीट पर भी बना हुआ है, और पूरी तैयारी से चुनाव लड़ने की कवायद जो है पार्टी के द्वारा की जा रही है। प्रेस वार्ता में क्या हुआ चलिए आपको सुनाते हैं। और इस दौरान जो है आपको जिला अध्यक्ष मनोज सिंह, जिला प्रभारी इंजीनियर रमेश, इसके अलावा संगठन मंत्री हैं रविंदर सिंह, SC ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं परशुराम पासवान, इसके अलावा विस्तार प्रमुख हैं अजय कुशवाहा, ये सारे लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौजूद थे। और नवादा के जो एक नेता हैं उपाध्यक्ष हैं RP साहू समाज से भी, वो भी इसी के दौरान दिखे। तो PC दिलचस्प रहा, इस दौरान उन्होंने राजू तिवारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने बिहार में भ्रष्टाचार, क्राइम, करप्शन जो भी है सारे मुद्दे पर बहुत कुछ बोला। उन्होंने कहा कि हम लोग अभी सत्ता में नहीं है, सरकार में नहीं है, इसलिए सब कुछ है जो कहीं ना कहीं कमियां हैं वो आप लोगों को दिख रही है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं, राजू तिवारी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाते हैं। उससे पहले एक अपील कर देते हैं दोस्तों कि अगर अब तक आपने नवादा लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बजा लेंगे, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चुनाव लड़ेगी, जिसको लड़ाना है ये राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारी जो संसदीय बोर्ड केंद्रीय है वो निर्णय करेगी। निश्चित रूप से ये मैं आपके बीच जरूर कहूंगा कि यहाँ पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही चुनाव लड़ेगा। राजू जी, अमित शाह कुछ दिन पहले आए थे नवादा में और उन्होंने सीधा कहा है कि यहाँ से आने वाले समय में BJP का उम्मीदवार होगा, तो क्या लगता है सीटों के समीकरण को लेकर क्या संशय बरकरार नहीं है, कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा? देखिए एक चीज जान लीजिए, जब गठबंधन में होता है तो जैसे मैं खुद हमारे नेता चिराग पासवान जी बोलते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 400 सीट पे चुनाव लड़ेगी, और मान लीजिए जब गठबंधन हुआ है तो निश्चित रूप से हम बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के और हमारे शीर्ष नेता आदरणीय चिराग पासवान के नेतृत्व तो बैठक हुई है, और बैठक होने के बाद हम लोग अपना निकले, तो जहां चुनाव लड़ना है वहां तो संगठन बेहतर करना ही है। लेकिन हमारे नेता की सोच है कि हम 400 लोकसभा सीट पर मजबूती रूप से अपने संगठन के बल पे किसी भी प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे जो हम लोग के गठबंधन से चुनाव लड़े। सर, नवाचार में लगातार दलितों पर हमला हुआ, लेकिन आपके पार्टी के कोई भी पदाधिकारी जो है दलितों के घर पर जाना नहीं, एकदम हमारे पार्टी के नहीं गए हमारे मामला में। आप मैं बता रहा हूँ, देखो दलित हो या कोई हो, अगर ये बिहार में आम बात है आज के डेट में, गैंगरेप, बलात्कार, हत्या, लूट, चोरी, चमारी, मतलब इतनी बढ़ गई है, निश्चित रूप से हमारे नेता आपके यहाँ कई बार आए हैं और हमारे दलित, हमारे यहाँ के प्रदेश के प्रकोष्ठ के हमारे नेता लोग
और जाते हैं और बजाते हैं, हम लोग को सूचना मिलती है, हम लोग अपने बिहार प्रदेश की टीम भेजते हैं, हम खुद हर मतलब जाने का प्रयास करते हैं और जाते भी हैं लोग, और हमारे यहाँ भी गए हैं, हमारे प्रभारी के दस दिन पहले वहाँ पर हुई थी, अब्दालपुर की मामला हुई, रमाखा की घटना, करनामा की घटना, सारे जगह गए हैं। संयोग से हो सकता है कि आपकी उपस्थिति नहीं रही, लेकिन आप मीडिया के बहुत सारे साथी थे। देखिए बिहार की यही हालत है, हम नवादा की व्यक्तिगत बात आप मत करिए, बिहार में आज कानून व्यवस्था नहीं रह गई है, यहाँ के पुलिस प्रशासन वाले लोग हैं। आप देखिए नीतीश कुमार जी एक दिन जब एक नंबर मार्च से निकलते हैं तो अपने बगल में उनके मंत्री और उनके जो प्रधान सचिव आईएएस लोग हैं नदारद रहते हैं, तो जब मुख्यमंत्री के मतलब दीवार के बगल की स्थिति है तो बाहर की स्थिति क्या है। यहाँ अधिकारी बेलगाम है, सब धनोपार्जन पे लगे हुए हैं। मेरा स्पष्ट आरोप है कि इनको कानून व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है, ये कैसे ज्यादा भ्रष्टाचार के तहत रुपया कमाने में लगे हुए हैं, इनको लॉ एंड ऑर्डर और लोगों की समस्याओं से कोई मतलब नहीं। सर आपकी पार्टी दलदल है, और जहां तक जो जानकारी मिल रही है कि वहां से अगर चिराग जी की मां लड़ती है तो कहा दलदल में पहले वो तय कर ले कि दलदल दलदल में कहां वो टिकेंगे। अरे क्या आप उनकी बात करते हैं, देखिए हमेशा हम उनका नाम लेना नहीं चाहते हैं, मान लीजिए वो अब एक गठबंधन की मर्यादा होती है और मर्यादा को तोड़ना उनका काम, उनके पास कोई काम है नहीं, दिल्ली से आते हैं और कोई कोई अपने कार्यालय पर एक बयान देकर चले जाते हैं, कोई कार्यकर्ता सम्मेलन करे तब उनकी हैसियत पता चले कि कितने लोग साथ हैं, इसलिए मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। हम लोग अपने काम में विश्वास करते हैं, अपने संगठन में विश्वास करते हैं, अपने नेता की नीति में विश्वास है। सर आप बिहार पर हमारे नेता चिराग पासवान जी ने केंद्र सरकार बिहार की समस्याओं के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए कैबिनेट मंत्री पद का त्याग किया, उनको बिहार को सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा बनाना है, यहाँ पर उद्योग बेरोजगारी सब करना है, इसके लिए संकल्पित है, तो निश्चित रूप से ये सब चीज सत्ता पक्ष यही सब तो कमियां हैं। आप रोड की बात कर रहे हैं, अरे बिहार आज कोई सुरक्षित है, आप घर से निकल सकते हैं, कानून व्यवस्था क्या हाल है, आपसे छुपा है। आप रोड की बात कर रहे हैं, रोड तो बहुत दूसरा चीज है, सब चीज घोटालों की सरकार है।